मार्केट से टूथपेस्ट खरीदते टाइम पर आप किस बात का ध्यान रखते हैं? टूथपेस्ट की प्राइस, उसके इंग्रेडिएंट्स या फिर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन सा टूथपेस्ट हमारे लिए बेस्ट है। माइसेल्फ प्रगति जोशी, वेलकम इन फिट मी पीजी। इसके लिए हम एक डेमो करेंगे जिससे हम जानेंगे कि कौन सा टूथपेस्ट हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा नहीं। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। अब हम डेमो करते हैं। ये सभी चीजें हमें डेमो के लिए चाहिए: टूथपेस्ट, एल्यूमिनियम फॉइल एंड सीजर। चलो अब हम डेमो शुरू करते हैं। इसके लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल को जहाँ से वह ब्राइट है, मतलब चमकीली साइड है, उस साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए ओपन कर लेंगे और हमारे पास जितने टूथपेस्ट अवेलेबल हैं उतने टाइप के हम स्क्वायर कट कर लेंगे। यहाँ पर 7 टूथपेस्ट अवेलेबल हैं तो मैं 7 कट कर लूंगी। अब एल्यूमिनियम फॉइल के ब्राइट वाले पार्ट को ऊपर रखते हुए हम इसको सेट कर लेंगे। हर एक टूथपेस्ट को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एल्यूमिनियम फॉइल पर डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा इसको जैसे हम ब्रश करते हैं उस हिसाब से इसको फॉइल पर धीरे धीरे से रब करना है। जितने टाइम तक आप ब्रश करते हो उतने टाइम तक इसको रब करना है और उतना ही प्रेशर डालना है जितना आप ब्रशिंग के टाइम पर डालते हो। अब हम बाउल में पानी लेंगे और टिश्यू पेपर लेंगे। इस टिश्यू पेपर से हर एक टूथपेस्ट को एल्यूमिनियम फॉइल से साफ करेंगे। अब आप क्या देखते हो कि जहां जहां पर टूथपेस्ट को रब किया है वहां वहां से एल्यूमिनियम फॉइल की ब्राइटनेस कम हो गई है। कहीं कहीं के टूथपेस्ट में तो ब्राइटनेस बिल्कुल ही खत्म हो गई है। इसका मतलब है कि इन टूथपेस्ट में एब्रेसिव कंपोनेंट डाले गए हैं जो कि हमारे टीथ के ऊपर की परत इनेमल को खराब करते हैं। एब्रेसिव होने के कारण यह उसको धीरे धीरे पतला करके ये डेंटिन जो इनर लेयर है वहां तक पहुंच जाते हैं जिससे टीथ की आउटर कवरिंग कमजोर हो जाती है, इन्फेक्शन के लिए ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, मतलब उन तक इन्फेक्शन ज्यादा लगने के चांसेस रहते हैं। इससे एक बार तो टीथ साफ हो जाते हैं, आप दिन में 2 टाइम करोगे तो आपको फ्रेशनेस फील होगी, पर इन टूथपेस्ट का यूज रेगुलर करने से आपको सेंसिटिविटी, टूथ डीके और कमजोर मसूड़ों की शिकायत होने लगती है। हमने डेमो से देखा कि लगभग सारे ही टूथपेस्ट हमारे टीथ को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते ही हैं। यह रेगुलर यूज से हमें पता चलता है। तो फिर इनके अल्टरनेटिव क्या है? इसके लिए आपको नेचर की तरफ जाना होगा और वह हम बहुत दिनों से जानते हैं पर उसका यूज नहीं करते। वो है नीम। नीम
जो कि एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, हमारे टीथ की सारी प्रॉब्लम्स की यह एक ही दवा है। इनकी पत्तियां और ये दोनों ही हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पत्ते उतारने के बाद में नीम की बची हुई लकड़ी को एक साइड से तोड़कर एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं टीथ में चबाकर। ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, अब इसको हम धीरे धीरे अपने टीथ पर रब करेंगे। ज्यादा जोर नहीं लगाना है, धीरे धीरे रब करना है। केवल 2 मिनट तक इसको रब करना है धीरे धीरे से। इसके बाद में आपको नॉर्मल ब्रशिंग के बाद में जैसे कुल्ला करते हैं, नॉर्मल वाटर से कुल्ला कर लेना है। नीम के अलावा ही आप घर पर एक और तरीके से टूथपेस्ट बना सकते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से कौन सा टूथपेस्ट हमारे लिए बेस्ट है इस बारे में जानकारी मिली होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, कमेंट जरूर करें और लाइक भी करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।